नमस्कार, आर के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने एक मैं स्वेटर लेकर आई हूँ जो कि बहुत सिंपल बनाया है और उसका कॉलर हम सिर्फ कोट कॉलर बनाएंगे। जी मैंने शुरू किया, 38 फंदे मैंने डाले हैं। 38 फंदे डाल के मैंने 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बनाया। दो उल्टे फिर दो उल्टे दो सीधे दो उल्टे। ये हम आगे वाली साइड बना रहे हैं, बॉर्डर बना के फिर ऊपर से स्वेटर बना के फिर आपको कोट कॉलर बनाना सिखाऊंगी। 2 सीधे 2 उल्टे का मैंने डिज़ाइन पूरा डाला। दोनों तरफ से सीधे उल्टे का बॉर्डर है। ये ब्रीकोन है, इसके लिए ये मैंने 10 नंबर की सिलाइयों में बॉर्डर बनाया है। ऊपर थोड़ी सी मोटी ऊन लगाऊंगी। ये देखो, ये ऊन है, वर्तमान की ऊन है। 10 नंबर की सिलाइयों में मैंने बॉर्डर बनाकर ऊपर मैंने थोड़ी सी मोटी ऊन लगाऊंगी। दोनों तरफ से आपने सीधा उल्टा ये बॉर्डर बनाना है। से पूरा बॉर्डर आप बना लो। मेरा बॉर्डर कंप्लीट हो गया। ऊपर मैंने 9 नंबर की सिलाई लगाई है। ये हम ऊपर हम मोटी ऊन लगाएंगे थोड़ी सी। इसमें हमने कुछ नहीं करना, सीधा उल्टा ही बुनना है। अब सीधी उल्टी सिलाई डालनी, कुछ नहीं करना, ना बटन पट्टी बनानी है, कुछ नहीं करना। सीधा उल्टा आप ऐसे बना लो, सीधी तरफ से सीधा, उल्टी तरफ से उल्टा। उल्टी तरफ से उल्टा। ऐसे बनाकर थोड़ा सा आपको बनाकर मैं दिखाती हूँ। फिर मैंने इतना बना लिया, ये बॉर्डर था नीचे और ऊपर मैंने इतना बना लिया। अब हम इधर से मोंडे की कटिंग करेंगे और इधर गले की कटिंग करेंगे, इसे गला वी बनाएंगे। ये देखो, 1 2 और 3। जैसे हम कटिंग करते हैं 2 3 1 की,
इधर हमने एक फंदा छोड़ के दो की एक कर देना। ये हमारा गला है, ये हमने गला वी बनाना, इसलिए मुंडे की कटिंग के साथ ही इसको मैंने शुरू कर दिया। जहाँ तीन दो एक करेंगे, इधर हर सिलाई में एक एक फंदा कटाते जाएंगे, दो का एक करते, एक फंदा छोड़ के दो का एक। ये देखो ऐसे मैंने बना लिया, ऐसे बनाना है। इधर हमने गले की शेप डाल ली है और इधर हमने मुंडा, ये तीन दो एक कर लेंगे। इधर इधर दो हर फंदे, हर सिलाई में एक फंदा कटाते जाए। ऊपर हमने जब तक हमारे 20 फंदे नहीं रह जाते, 20 फंदे ऊपर मैंने रखे हैं और बाकी फंदे हमने एक एक करके थोड़ी सिंपल सिलाइयाँ भी मैंने डाली हैं। 20 फंदे के बाद मैंने सिंपल सिलाइयाँ डाल दी। ये देखो ऐसे हम आगे इस वाला फंदा भी, ये वाला भी बना लेंगे, उल्टी पूरी उल्टी। सीधी सिलाई पहले हमने तीन किए थे, अब हम दो फंदे। तीन दो एक एक डालनी है, पहले तीन फिर दो फिर एक। ये देखो ये दो फंदे रह गए, दो का एक करते। इधर दो का एक करते जाना, इधर हमने तीन किए फिर दो किए फिर एक करना, फिर ऊपर वो तक हमने फंदे एक एक कटाना जब तक हमारे 20 फंदे नहीं हो जाते। 20 फंदे रख के फिर हम सिंपल बुन लेंगे, जिस तरह मैंने ये बनाया है। ये तीन दो एक, जहाँ एक एक फंदा कटा के इतना कटाया के बाद जो इतना सिंपल बुना, क्योंकि हमने मुंडे की थोड़ी लंबाई रखनी थी ना। इतना बनाकर फिर आपको आगे दिखाती हूँ कोट कलर कैसे बनाते हैं। इतना पूरा बना लो आप, फिर आगे दिखाती हूँ। ये देखो पूरा बन गया। ये देखो ये मैंने ऊपर तीरा भी जोड़ दिया, पीछे वाली कटिंग तो कोई डाली नहीं, बिल्कुल सिंपल बीच वाले फंदे 20 फंदे रख के बाकी फंदे बंद कर दिए, दोनों तरफ से 20-20 फंदे रख दिए। अब हम बनाएंगे इसकी बटन पट्टी और साथ में कॉलर। जहाँ मैंने वी गला की कटिंग की थी ना, वहाँ से हमने दोनों पासे डिज़ाइन निशान लगा लिया। ये देखो दोनों तरफ से, इधर भी और इधर भी। अब हम यहाँ से फंदे उठाएंगे, जो जो हमने फंदा छोड़ते हैं ना वही वाला उठाएंगे। फिर दो सीधे दो उल्टे का बॉर्डर बनाएंगे। ऐसे आप पूरे फंदे उठाएंगे।
निशान आ गया हमारा, यहाँ हमने हमारा बी गला बनेगा, क्योंकि ये आपके पास ऐसा नहीं है तो आप बस्कुआ भी लगा सकते हो, कुछ और भी सेफ्टी पिन वगैरह कुछ भी लगा सकते हो। ऐसे आप पूरे गले के यहाँ से लेकर पूरा इधर तक दूसरी तरफ तक ले आने, पूरे फंदे उठाकर फिर हम दो सीधे दो उल्टे का बॉर्डर बनाएंगे। थोड़ा सा बॉर्डर बनाकर फिर आपको मैं दिखाती हूँ। ऐसे आप पूरे उठा लो, पूरे उठा के आप फिर थोड़ा दो सीधे दो उल्टे का बॉर्डर बनाना। ये देखो इतना मैंने बॉर्डर बना लिया। अब हमने बनाने बटन होल। बटन होल बनाने के लिए धागा आगे, ये देखो धोखा एक, बटन अपने हिसाब से आप बना सकते हो कितनी की दूरी में बनाने हैं। मैंने एक जहाँ बनाया मैंने इसके हिसाब से बनाने हैं, एक जहाँ बना लूँगी फिर धागा आगे। आप अपने हिसाब से ही बना सकते हो। मैंने एक जहाँ बनाया एक जहाँ बनाया, मैंने एक दो छोड़ के फिर दो छोड़े फिर धागा आगे। इस तरह आप बनाकर फिर आगे दिखाती हूँ क्या करना। ये देखो ये मैंने सिलाई करे, अब हमने यहाँ भी निशान लगाया था, अब हमने जो अब अपने तीरा जोड़ा था ना यहाँ से, ये देखो यहाँ से और यहाँ तीरे तक इतना हम बुनेंगे। यहाँ भी हम निशान लगा लेते हैं, जहां इतना बुन के यहां तक हमने मुंडे गले की कटिंग की है। दो दो फंदे आगे आगे बढ़ाते जाएंगे दोनों तरफ से, दो इधर से दो उधर से, हर सिलाई में दो दो फंदे हम आगे आगे बढ़ाकर यहां तक आएंगे। इतने फंदे हमें पहले बुनेंगे, ये देखो। चलो शुरू करते हैं। बड़ा हो, ये बच्चे का स्वेटर है इसलिए मैंने दो दो फंदे किए, बड़ा हो आप चार चार भी कर सकते हो। ये देखो यहाँ बुन के जाली ना डले इसलिए इस फंदे को हम ऐसे पहले देखो ऐसे फिर धागा पीछे फंदा इस तरह वापस। सीधी सिलाई उल्टे, अब उल्टी सिलाई है, दो सीधे दो उल्टे, दो सीधे दो उल्टे, दो सीधे ये देखो। जी मैंने तीरे वाले निशान जो लगाए थे देखो यहाँ तक हम पहुँच गए, यहाँ हमने फिर दो फंदे आगे
दो फंदे आगे बढ़ा लेंगे, एक और दो, धागा वाप पीछे, फंदा इधर किया, फिर धागा इधर। इससे करने से कि जाली ना पड़े, यहाँ से हम पीछे मुड़ गए। फिर दो सीधे, जैसे बॉर्डर बनाना वैसे पूरा बना लो। ये जहाँ से हमने लगाया था इसके आगे हमारे दो फंदे हमने आगे बढ़ा ले, दोनों तरफ से दो दो फंदे आपने आगे बढ़ाते जाना, जहाँ तक इतने दोनों तरफ से। ये देखो, ये हमारा आ गया, फिर वही निशान वाला। इसके आगे हमने दो फंदे बढ़ाने हैं, दो दो फंदे ही बढ़ाने हैं। ये हमारे सिर्फ तीरे वाले, दोनों तीरे वाले फंदे हमने रखे हैं, बाकी जितने फंदे हमने इधर रखे हैं ना उतने फंदे उधर रखने हैं, बराबर के रखने हैं, कम और घट नहीं होने चाहिए, बराबर के होने चाहिए। बस दो दो फंदे आपने बढ़ाने हैं, बस ये लूप करना, धागा आगे, फंदा उतारा, धागा पीछे, फिर फंदा ऐसे किया और पीछे वापस। ये अपने निशान भी आगे आगे करते जाना, ये बस। फिर वही फंदे दो उल्टे दो सीधे, ऐसा ही आपने दोनों तरफ से दो दो फंदे बढ़ाते जाना। बस एक फंदा आपने जब यहाँ ये करना है, ये जरूर करना, इससे नहीं तो जाली पड़ जाएगी, इससे बिल्कुल स्मूथली आएगा। उसके बाद हमने दो सिलाइयाँ सीधी उल्टी की पूरी पूरी चढ़ाएंगे। पहले इतना बना लो, आप जहाँ तक पहुँचो, फिर आपको आगे दिखाती हूँ मैं क्या करना। ये देखो, यहाँ से हमारा बड़ा बन गया और यहाँ हमारा उतना ही है जितना हमने बुना था। अब हम लास्ट में आ गए हैं। इसके बाद मैंने चार सिलाइयाँ सीधी उल्टी की वैसे बनाऊंगी, ये देखो। ये हमारे पूरे फंदे हो गए, इसे भी हम चोक निकाल देते हैं। इधर से मैंने पूरी सिलाई पहले चढ़ाई थी, अब यहाँ तक जाऊँगी एंड तक। अब फिर वापस आऊँगी और चार सिलाइयाँ ऐसे ही मैं चढ़ाऊँगी। सोलो कॉलर भी कहते हैं, ऐसे पूरा मैं कर लूँगी, दो सीधे उल्टे का। ये छोटे बच्चे का मैंने बनाया है, आप बड़ा बना रहे हो कि चार, मैंने दो दो फंदे रखे थे ना, आप चार चार फंदे भी कर सकते हो। इसके बाद जितनी आपने सिलाइयाँ चढ़ानी चढ़ा सकते हो, मैंने चार चढ़ानी है, आप छः भी चढ़ा सकते हो, ज़्यादा भी चढ़ा सकते हो, जितना आपने बनाना है। ऐसे पूरा आपको बनाकर मैं फिर दिखाती हूँ। ये देखो, ये बनके पूरा तैयार हो गया इस तरह, इसकी लुक आएगी। जब बटन लग जाएंगे,
बटन लगा के इसकी बाजू, सिंपल मैंने बाजू बनाई है, सिंपल नीचे बॉर्डर डाल के थोड़ी सी कटिंग डाल के जी बन के तैयार हो गया। तो शॉल कॉलर भी कहते हैं, कोट कॉलर भी कहते हैं, आप जो मर्जी इसको नाम दे सकते हो। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।